हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हम कैसे HDFC में बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। HDFC में ऑनलाइन बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपको सबसे पहले अपना फेवरेट ब्राउज़र ओपन कर लेना है, और ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। जैसे ये ओपन होता है, उसके बाद आपको सर्च कर लेना है HDFC बैंक अकाउंट ओपन। कोई भी कीवर्ड इस तरीके के आप जो है टाइप करके सर्च कर सकते हैं। उसके यहाँ पर आपको कोई भी स्पॉन्सर्ड लिंक को ओपन नहीं करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर IDFC का है, उसके बाद कोटक 811 का है। इस तरीके से आपको कई सारे स्पॉन्सर्ड लिंक दिख रहे हैं, उनको आपको ओपन नहीं करना है। आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है HDFC बैंक, https://www.hdfcbank.com। यहाँ पर आपको इसको ओपन कर लेना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इसके बाद हम देखेंगे कि हम कैसे इसमें अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 100% डिजिटल प्रोसेस है। यहाँ पर आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। ओपन सेविंग पे अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ये नेक्स्ट पेज पे लोड होगा। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और जो भी आपके डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे और स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको अपना टाइटल और उसके बाद अपना फुल नेम जो भी आपके डॉक्यूमेंट में वो डाल के गेट OTP पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अपना OTP इंटर करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप KYC के लिए डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं, आधार कार्ड और या फिर वोटर ID, पासपोर्ट या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे लिए इजी रहता है आधार कार्ड, तो मैंने उसी को रहने दिया है। और यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पर, कि गवर्नमेंट की जो भी स्कीम और बेनिफिट्स वगैरह है, सब्सिडीज वगैरह है, वो चाहिए तो ऑन पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज इसको ऑफ रहने देंगे। मैं ऑन पे क्लिक करूँगा, उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एग्री करूँगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर आपको अपना जो है आधार कार्ड नंबर डालना है, या फिर आप वर्चुअल ID भी डाल सकते हैं। आपको अगर जानना है कि वर्चुअल ID क्या होती है, तो आई बटन पर क्लिक करें। उसके बाद आपको अपना कंसेंट वगैरह देना होगा, क्योंकि KYC के लिए यूज़ होगा, तो उसके बाद वेरीफाई कर देंगे। यहाँ पर आधार कार्ड से जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उस पर एक OTP आएगा, वो टाइप करेंगे और वेरीफाई eKYC पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो भी डिटेल वगैरह है वो आ चुका है, आपका डेट ऑफ बर्थ आ चुका है, आपका एड्रेस आ चुका है, पिन कोड आ चुका है। उसके बाद चाहे तो आप अपना स्टेट वगैरह सेलेक्ट करेंगे, कंट्री इंडिया ही रहेगी, और ये जो आपकी जो भी एड्रेस है वो आपका खुद का है तो ओन्ड रहने देंगे, अगर रेंट पे तो रेंट डाल देंगे, और अगर आपका यही एड्रेस जो है कम्युनिकेशन एड्रेस है तो यस पे क्लिक कर देंगे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। अगर आपका कोई और है तो नो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट, सिटी और बैंक, वो HDFC का ब्रांच जो है लोकेट करना है, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, यानी कि कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सेविंग अकाउंट कैसा चाहिए, कॉरपोरेट टाइप, सैलरी टाइप है या फिर सेविंग अकाउंट है। मेरे केस में सेविंग अकाउंट है, आपके केस में हो सकता है कि आपको कंपनी में देना हो तो आप कॉरपोरेट भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप देना है, स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, इस तरीके से जो भी आपका है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद अगर आप सैलरीड है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आपको डालना होगा, और उसके बाद अपना नाम वगैरह डालना होगा। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालनी है, अपना एनुअल इनकम डालना है, और आपके जो फंड का रिसोर्स वगैरह है वो डालना है, और अपना पैन कार्ड डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, यानी कि प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको दो वेरिएंट मिलते हैं सेविंग अकाउंट के, डिजी यूथ सेविंग और दूसरा है रेगुलर सेविंग। आप चाहे कोई सा भी यूज़ कर लें। जो जो बेनिफिट दिए हुए हैं वो आपको दिख रहे हैं नीचे, फ्री मनी बैक और फर्स्ट ईयर के लिए, पेजैप यूज़ करेंगे तो शॉपिंग और ट्रैवलिंग मूवीज़ वगैरह में आपको बेस्ट ऑफर्स मिलेंगे। रेगुलर में आपको FD का, इंश्योरेंस का, डिपॉजिट वगैरह का जो भी है बेनिफिट मिलेगा। दोनों के चार्जेस आपको दे रखे हैं, मतलब कि मिनिमम अकाउंट जो अकाउंट बैलेंस जो होगा वो इसमें इतना इतना होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट वाले को चूज़ रहने दिया है,
उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक किया। यहाँ पर आपको अपने पर्सनल डिटेल डालनी है, मैरिड है, सिंगल है, फादर नेम, मदर नेम, और आप नॉमिनी डिक्लेयर करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। मैंने नो पे क्लिक किया है। आप अगर करना चाहते हैं तो उनसे रिलेशन, उनका नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस वगैरह भी आपको फिल करना है। अगर डिफरेंट है, अगर सेम है तो सिलेक्टेड इफ एड्रेस सेम, उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको अपने बर्थ प्लेस का डिटेल डालना है, इंडिया में कहाँ पर हुआ, कौन सी सिटी में हुआ वो डालेंगे। अगर आपको किसी HDFC बैंक के रिप्रेजेंटेटिव ने हेल्प किया है तो उस पर यस पे रहने देंगे, क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप ऑब्वियसली नो पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अगर पूरा अपना अकाउंट पूरी तरीके से ओपन करना है तो वीडियो KYC वगैरह सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप बाद में भी कर सकते हैं, चाहे तो बैंक के ब्रांच में जाके भी करवा सकते हैं या फिर घर बैठे भी करवा सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप बैंक में जाएं एक बार अपने नियरेस्ट, क्योंकि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत बढ़ चुका है, तो आप जो है घर पे ना करें। हो सकता है आपको कॉल वगैरह आए, आपकी डिटेल वगैरह ले ली जाए और आपके साथ फ्रॉड हो जाए, तो आप खुद से जाएं बैंक में और अपना वीडियो मतलब KYC वगैरह सारा चीज़ वहाँ पर करवा के, सबमिट करवा के और अपना अकाउंट जो है ओपन करवाएं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन का जो है आपको डिस्प्ले हो रहा है, आपका रेफरेंस नंबर सब कुछ दिख रहा है इसका। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं तो आपने मेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल रखा है तो वो ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है HDFC में अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं ऑनलाइन। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।